शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया है। दोनों के नाम की घोषणा शंकराचार्य जी के पार्थिव देह के सामने हुई। शंकराचार्य के निज सचिव सुबोधानंद महाराज ने उत्तराधिकारियों के नामों की घोषणा की। द्वारका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में निधन हो गया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। इसीलिए दो संतों अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद को इन पीठों का उत्तराधिकारी बनाया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद का मूल नाम उमा शंकर है। प्रतापगढ़ में शुरुआती शिक्षा के बाद वो गुजरात चले गए थे। गुजरात में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली थी। पढ़ाई के बाद अविमुक्तेश्वर आनंद को शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य का सानिध्य और आशीर्वाद मिला। अविमुक्तेश्वर आनंद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर भी चर्चा में आए थे। अविमुक्तेश्वर आनंद ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मिला है और वो वहाँ पूजा करने को लेकर अड़ गए थे। ज्ञानवापी जाने से पहले अविमुक्तेश्वर आनंद के मठ को वाराणसी पुलिस ने घेर लिया था और उन्हें नजरबंद कर दिया था। इसके बाद अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि पूजा उनका अधिकार है और जब तक वो ज्ञानवापी में पूजा नहीं कर लेते भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। इसके बाद वो मठ के दरवाजे पर ही अनशन पर बैठ गए थे। ज्ञानवापी से पहले अविमुक्तेश्वर आनंद तब चर्चा में रहे थे जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में श्री राम मंदिर की दीवार पर साई बाबा की मूर्ति को देखकर वो भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि श्री राम के मंदिर में साई का क्या काम। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बात करें तो वो एक साल से भी ज्यादा वक्त से बीमार चल रहे थे और आखिरकार 99 साल की उम्र में रविवार को उनका निधन हो गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर धर्म यात्राएं शुरू कर दी थी और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में भी रखा गया था। शंकराचार्य अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान काशी पहुंचे और वहां उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। ये वो समय था जब भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने की लड़ाई चल रही थी। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में मशहूर हुए। शंकराचार्य के अनुयायियों ने कहा है कि वो 1981 में शंकराचार्य बने थे। तब से अब तक यानी करीब 41 साल से वो दो पीठों के प्रमुख का पद संभाल रहे थे। अब ये जिम्मेदारी उनके शिष्य अविमुक्तेश्वर आनंद और स्वामी सदानंद को दे दी गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।